नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिंगटोन। दोस्तों, आज सुबह सुबह से भोजपुरी इंडस्ट्री से बड़ी बड़ी कुछ खबरें मिल रही हैं। पहली खबर, मैंने आपको बताया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो तलाक का मामला था वो अब लगभग सुलह हो गया है और ये दोनों जोड़ी जो है वो एक साथ आ गई है, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस कड़ी में खेसारी लाल यादव की भी एक खूबसूरत कमाल की तस्वीर आई है और वो तस्वीर माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के दौरान की है। जी बात करें तो आपको पता होगा कि सीसीएल शुरू होने वाला है, यानी कि सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, जिसमें भोजपुरिया दबंग भी टीम शामिल है और उसमें इस बार जो है आप सभी के चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी खेलते नजर आ सकते हैं। इस कड़ी में सीसीएल को लेकर कल जो है वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जहां पर मनोज तिवारी से लेकर अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे दिग्गज जो है वो वहां पर शामिल हुए और सीसीएल को बढ़ावा देने के लिए तमाम लोग अपनी बातें कहते नजर आए। इस कड़ी में अगर मैं बात करूं तो खेसारी लाल यादव की माँ विंध्यवासिनी से खूबसूरत तस्वीर आई है और मैं आपको उनके फेसबुक पर जाकर देखेंगे तो उन्होंने दो तस्वीर साझा की है, जिसमें माँ विंध्यवासिनी का वो दर्शन करते नजर आ रहे हैं। बाकायदा वो जो एक हिंदू रिलीजन में होता है कि पैर छूकर प्रणाम करना, हाथ धोकर प्रणाम करना, उस अंदाज में और इस तस्वीर को साझा करके लिखते हैं कि आज माँ विंध्यवासिनी का दिव्य अलौकिक दर्शन करने का परम सौभाग्य मुझे मिला, मैया के आशीर्वाद से सदैव आप सभी का मंगल हो। तो ये खूबसूरत कमाल की तस्वीर है और खेसारी यादव की टीम के सदस्यों ने भी इस तस्वीर को ग्रुप में साझा किया है, जिसमें संजय यादव, अखिलेश कश्यप और पवन पांडे और भी तमाम लोग मौजूद हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीर थी, बाकी इस तस्वीर पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सीसीएल को लेकर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो तलाक का मामला था वो सुलह हो गया है, उस पर आप क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।